क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। देखना, ओ भाई साहब, ड्यूक का कंट्रोल भी मेरे हाथ में आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीरास पुरोहित और आज हम खेलने वाले हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो यार, आज फाइनली इस गेम का अपडेट आ चुका है और इस अपडेट में क्या कुछ चीज़ें नई आई है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। और यार, यहाँ पर अपडेट में फाइनली बुलेट जो है आ चुकी है इसमें, तो आज हम इसी में करने वाले हैं चर्चा। और अगर आप हो नए तो कर देना सब्सक्राइब। वैसे अब हम थोड़ा मारपीट कर लेते हैं, तो करना पट्टे से हेडशॉट, पट्टे से हेडशॉट। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि ये कहां पर है, मतलब यार ये बाइक कैसे लानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, पहले इन लोगों को हटा देते। तो बाहर आपको, इस घर के बाहर जो नया घर है उसके बाहर आपको देखने को मिलेगा KTM। पर यार ये बुलेट कैसे लाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है 4x9 लिखना है और 9999 और आपका बुलेट हाजिर होगा। लेट्स सी कि बुलेट का आवाज़ कैसा है भाई, एकदम ओरिजिनल वाला है या फिर सो वन सीटर है भाई। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो आप नहीं उसे बैठा सकते। तो ये रहा, अबे हाँ बढ़िया आदमी हो। लेट्स सी, वाओ दोस्तों, साउंड जो है एकदम ओरिजिनल टाइप का, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। मुझे नहीं इतना, मतलब ऐसा नहीं लगा था कि इतना सही साउंड होगा, पर एकदम ओरिजिनल यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। वैसे आप ऐसी चीज़ें ट्राई ना ही करें तो बेहतर है। तो यार ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है। अरे इंटीरियर की बात कर लेते हैं। चलो यार, वह अब नीचे करेगा, व्हीली करने के चक्कर में मर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सही डिटेलिंग में काम किया गया है इस बुलेट पर, ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, लाइट क्यों चालू हो गई भाई, देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा सही है। अरे वाह 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 बेटे, वाह वाह वाह, मौज कर दी मौज कर दी। अरे भाई विली ही करता है ये, हर बार जितनी भी बार मैंने इस गेम को खेला यार इतना विली करता है ये। आहा, इसके लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड थे बुलेट के बारे में और बहुत से न्यूज़ आए थे मेरे पास भी। आहा, ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। बाकी यहाँ पर जो है ये बुलेट काफ़ी ज़्यादा सही है और ड्राइविंग में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये बुलेट लग रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा ब्रेकिंग में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर अब ये जो है बुलेट आपको लगेगा। ये कबीर सिंह वाला बुलेट है। अयो मर गए, बच गए, काफ़ी ज़्यादा सही है। बस ये ब्रेकिंग में दिक्कत आ रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा लेकिन सॉल्व हो ही जाना चाहिए। हम फिर से अपने घर के साइड आ गए, अब हम फिर से जो है इस पर कूदाएंगे, देखते हैं जंप करवाते कितने तक पहुँचते। मुझे ऐसा था कि मैं आराम से पहुँचूँ। अरे भाई भाई भाई, मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वो होता ही नहीं है। पर बहुत बढ़िया साउंड है, अगर आप चाहते हैं कि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा होगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ओके, तो एक और नई बुलेट मंगा ले। ओके, वो कहाँ पर है इसे बोलो। हाँ यार, मैं वही बोलने वाला था, इसे बोलो हेलमेट निकाल दे यार, गर्मी नहीं लग रही होगी इसे। एक तो इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा सही है,
काश मेरी ऐसी हो जाती, बहुत हो गया भाई। ओके फिर से बैठ गया, अब ये बिना उसके चलाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये हेलमेट पहने। अब जितनी चाहे उतनी जो है यहाँ पर मंगवा सकता है। अब यहाँ पर बात कर लेते। नहीं तू गिर यार, तेरे को गिरने की बहुत आदत है, उठ जा अब। हाँ ठीक है। तो दोस्तों इसके सिवा कौन कौन सी चीज़ें अभी तक हमने देखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है पहले चीज़, तो ये स्प्लेंडर है। उसके बाद ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है, मेरी फेवरेट है, हेलीकॉप्टर। उसके बाद यहाँ पर बैग वगैरह है जो अभी तक मैंने नहीं लगाया, अभी लगाऊंगा। उसके बाद ये है कार का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक और है चिप कोड 1190 KTM का है। और उसके बाद 45-15, उसके बाद 12-10 एक और KTM नया मॉडल है 12-11 उसके बाद 12-15। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी हुई है और अभी और भी आएगी आगे। लेट्स सी अभी इनका क्या डिमांड है उसके ऊपर है कि क्या कुछ चीज़ें आएगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है अभी तक तो। और अभी तक का सीन सारा सही है और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर गेम है। अगर आप एक इंडियन बाइक ड्राइविंग गेम ढूँढ रहे तो ये वन ऑफ द बेस्ट गेम हो सकती है। तो आप यार का आपको जो है डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखूँगा। देख लीजिए इतनी सारी बाइक्स वगैरह आपको देखने को मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अरे भाई इसको क्या हुआ? देखो यार मैं लकवाग्रस्त लोगों से बात नहीं करता, लेकिन इसका क्या ही बताओ यार, इसकी कई बार मेरे में तो यही हालत हो जाती है, इतना डरावना बॉस भाई साहब। इसे हर बार मेरे गेम में ही, खासकर मैं जब वीडियो बनाता हूँ इस गेम पर, उसी टाइम इसे लकवा हो जाता है। इतना डर लग रहा है मुझे देखकर इसके हाथ को, पता नहीं कैसे मोड़ रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये ड्यू खुद से क्यों हिल रही है? ओ ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। देखना, ओ भाई साहब ड्यूक का कंट्रोल भी मेरे हाथ में आ गया, ड्यूक का कंट्रोल, ठीक है। अरे दोनों फिक्स है, चल 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 पीछे आ जा, पीछे आ जा। अब तुझे इधर को, उधर को, इधर को, अच्छा मैं इधर जाऊंगा तो वो उधर जाएगी। ड्यूक का कंट्रोल भी यहाँ पर यार क्या ही ग्लिच है, ऐसे ग्लिच काफ़ी कम देखने को मिलता है। ड्यूक चल रही है अपने आप, भूतिया ड्यूक हो चुकी है अब तो ये। ड्यूक के पास तो जा ही नहीं सकते अगर ये फंसी हुई है। देखो देखो भैया ड्यूक भाई क्या ही सीन है इसके, पता नहीं, लेकिन इसके लकवाग्रस्त चीज़ों के वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। पता नहीं ये ग्लिच कब ठीक होगा, जब भी ठीक होगा अच्छा ही होगा। चलो तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट वीडियो हर रोज़ देखने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू सून, टेक केयर।